से लेकर अपराधियों के अंजाम तक, हर क्राइम का होगा पर्दाफाश, हर मुजरिम होगा बेनकाब, हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। ये थाना फतेहगढ़ पुलिस के द्वारा कल दिनांक 8 तारीख को एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र करीब 5 साल, जिसका नाम यश प्रताप था, उसके संबंध में सूचना मिली थी कि वो रामनगरिया मेला में गुम हो गया है। तुरंत से संबंधित धाराओं में FIR दर्ज करके 4 टीमें इसमें लगाई गई थी तुरंत अनावरण के लिए। इसी क्रम में जब हमारी टीमों ने जो लड़का, जो अपनी ताई जिनका नाम नीरज है, जो कि न्यू फौजी कॉलोनी में रहती है, उनसे जब बात की गई तो उनकी बातों में थोड़ा विरोधाभास मिला। और जब उनसे बात की गई और हमारे जो टेक्निकल सहायता ली गई साथ ही साथ सर्विलांस की, तो उससे काफ़ी चीज़ें सामने आई और उससे ये पता चला कि जो यश प्रताप है ये करीब पिछले 6-7 महीने से अपनी ताई के पास यहाँ पे रह रहा था और इनकी मदर एक्सपायर हो चुकी है। और 6 तारीख की शाम को दिन में करीब जब ये लड़का जो 5 साल का है इसने बिस्तर पर जब लेटरिंग कर दी तो इसकी ताई ने इसको वहीं पर पीट पीट कर इसकी हत्या कर दी। इसके बाद जो इसमें अभियुक्त है मुख्य नीरज, इसने अपने पिता को फ़ोन किया जिनका नाम राम बहादुर है और उनको पूरी डिटेल बताई, तो उन्होंने इन्हें बताया कि डेड बॉडी को आप कंपिल में लेकर घर पर आ जाइए। उन्होंने डेड बॉडी 6 तारीख को कंपिल एक काले बैग में रखकर कंपिल में पहुंचवाई और कंपिल थाने के अंदर ही जो राम बहादुर है उन्होंने मोजा जिजोटा का जो जंगल है उसमें एक गड्ढे के अंदर डेड बॉडी को वहाँ पर छुपा दिया साक्षी मिटाने के क्रम में। तो जो मुख्य अभियुक्त नीरज है और इनके पिता राम बहादुर हैं, उनकी निशानदेही पर कल ही शाम को डेड बॉडी को बरामद किया गया और इसमें उचित धाराएं जो 302, 201, 120 भी है उसकी बढ़ोतरी की गई है और दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है।